मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदुवार की गोली मारकर हत्या कर देने से मंदसौर ही नहीं अपितु पूरा प्रदेश स्तब्ध है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, जिसके लिए कई बार मीडिया में भी आवाज उठाई जा चुकी है। वहीं इस बीच में मंदसौर के नगर पालिका अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर देने से गुना नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा ने आज एक शोक सभा का आयोजन नगर पालिका परिषद में किया, जिसमें गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष राधेश्याम पारिक सहित अन्य भाजपा जन एवं पार्षद गण मौजूद रहे। इस शोक सभा में दिगंबर आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया गया। साथ ही यह प्रश्न भी उठाया गया कि नगर पालिका अध्यक्ष का काम खतरों से खाली नहीं है। आए दिन कार्रवाई करने पर लोगों से दुश्मनी बढ़ती जा रही है। वही प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर भी चिंता जाहिर की गयी। साथ ही इस निंदनीय कार्य के लिए कड़े शब्दों में निंदा भी की गयी, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक पत्र भी भेजा, जिसमें नगर पालिका अध्यक्षों की सुरक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर कहा गया। वहीं मंदसौर की घटना को लेकर शीघ्र कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा, जिसमें प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराधों को नियंत्रण करने की बात कही गई। इस मामले पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने इस मामले में कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। वहीं मंदसौर में हुए घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा भी की गई। तो जैसा कि हमारे मार्गदर्शक सभी वरिष्ठ नेताओं ने हम सभी को बताया, तो हम सब इस प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी युवा संघर्ष के साथ प्रशासन को चेताएंगे और आप सभी के मार्गदर्शन में आप सभी का जो निर्देश होगा उस राह पर चलते हुए अपन को संघर्ष करेंगे। गोली मारकर उनकी हत्या की गई। नगर पालिका परिषद और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से हम श्रद्धांजलि के लिए आज एकत्रित हुए हैं। कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को इस मंच से हम निवेदन करना चाहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों की सुरक्षा की व्यवस्था हो और परिवार को सुरक्षा मिले। जिन दोषियों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये कहकर सरकार नहीं बच सकती कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो नहीं है, ये स्पष्ट हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी ने स्पष्ट कहा है। नगर पालिका अध्यक्ष को जो गोली मार करके हत्या की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जनप्रतिनिधियों के साथ में अगर इस प्रकार की जो है घटना होनी, अभी सरकार कांग्रेस की को मात्र जो है एक सवा महीना होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार की घटना दुर्घटना जो हो रही है और भाई राजेंद्र जी ने सभी बातों का उल्लेख किया है, उसी का समर्थन करते हुए ईश्वर से कामना करता हूं जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी को गोली मार करके हत्या की गई,